सवाल यार एक मेरे मन में आया कि ये नसीम शाह और वसीम जूनियर का क्या चक्कर है भाई। हाँ मेरे मन में सवाल आया, अगर जब हम मैच देख रहे थे नसीम ने विकेट लिया, नसीम के पीछे सब भागे उसे पकड़ने के लिए, लेकिन नसीम भागे वसीम जूनियर के पास और वो जो हक था काफी इंटेंस हक था। उसके बाद वो जो कैच था जिसे वसीम जूनियर ने एक बहुत बेहतरीन कैच पकड़ा, मतलब वो दौड़ते दौड़ते कैच पकड़ना वो बहुत बेहतरीन कैच था, लेकिन उस कैच में भी जो दोनों के एक्सप्रेशन आए माशाल्लाह, हमें लगा हम पूछ लेते हैं इट्स ब्रोसम या ठीक है मजाक चलता रहना चाहिए। लेकिन मजाक से तर आज मैच जो था वो पाकिस्तान का रहा, पाकिस्तान के टॉप थ्री ने ही मैच जिताया। गेंदबाजी में पाकिस्तान तमाम तरह एक्सपेरिमेंट कर रहा है, आज बहुत अच्छी गेंदबाजी की, वो पहला विकेट निकाल लेते हैं, फिर बाबर आजम आते हैं, फिर बाबर और फखर जमान इतने प्यार से खेलते रहते हैं कि लगता आउट ही नहीं होंगे यार, 28 ओवर में 145 बन जाते हैं। जब बाबर आजम को हेनरी जो है वो बोल्ड मार देते हैं, अच्छी गिनती बल्ले पे लगती है आके बोल्ड जाते हैं। क्या नसीम खान खेल रहे हैं, शाहीन अफरीदी खेल रहे हैं, वसीम जूनियर हैं, वसीम जूनियर को आज आप कह सकते हैं इशानुल्लाह को बाहर किया गया और हारिस रौफ को बाहर किया गया, तो रोटेशन पॉलिसी जो है फास्ट बॉलर्स में चल रही है इनके यहाँ पर, तो यहाँ पर इनको खिलाया गया। लेकिन आज शुरुआत अच्छी रही, विल यंग और ब्लंडलेल उनका नाम है वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, टॉम उनका नाम है, तो टॉम और यंग ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन वो एक अनफॉर्चुनेट रन आउट था, 15 ओवर में 83 रन थे। मुझे लग रहा था यार मैच बिल्कुल उनकी तरफ था, 15 ओवर में 83 रन अच्छा खासा स्कोर होता है जब पहला रन आउट हुआ। इसके बाद मिचेल आए, अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी, मिचेल का वो आउट होना वसीम जूनियर की तरफ से वो एक इंसिडेंट था, लेकिन फिर लैथम के साथ बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई, लेकिन फिर वही हुआ कि यार टॉम जो है वो भी रन आउट हो गए, तो दो तीन रन आउट ऐसे थे जो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड को भारी पड़ गए। और उसके बाद थोड़ा डोमिनेंस जो देखने को मिला, फिर वही से बल्लेबाज चैप्मन चले नहीं, निकोलस चले नहीं, फिर वो जिनका नाम हमने मैक्रोनी रखा था कोल मैक कॉनकी, उन्होंने बड़ी अच्छी गेंद बल्लेबाजी की और जबरदस्त बल्लेबाजी की, 45 बॉल 65 रन बनाए, मैच को एक तरफा खींच कर ले गए, लेकिन बाकी जो प्लेयर्स से साथ ही नहीं पाए और टैलेंडस को शाहीन शाह अफरीदी या बाकी जो गेंदबाज थे वसीम जूनियर उन सब ने आउट कर दिया और ये मैच जीत गया।